माय चैनल अभीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक अमेज़न का मिक्स हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आई मीन इसमें क्लोदिंग और फुटवेयर की ही कैटेगरी है, बिकॉज खाने पीने की चीज़ें तो हम वैसे भी ले आते हैं। सो कुछ मिक्स वाली कैटेगरी आपको मिल जाएंगी। आई एम श्योर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये जो वीडियो है ना, आज पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा सा वेस्टर्न आउटफिट पे है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो शेयर किया था वो इंडियन पे था। आप लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोगों ने बोला कि दीदी कुछ वेस्टर्न में भी लेके आओ, बिकॉज हम तो इंडियन पहनते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन नहीं पहनते, तो उनके लिए आज मैं वेस्टर्न आउटफिट का हॉल लेकर आई हूँ। आई एम श्योर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपनी आईडी यहां मेंशन कर दूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूं कि मैंने क्या-क्या चीजें ली हैं। बात करते हैं पहले प्रोडक्ट की, जो कि है बाटा का फुटवेयर। तो मैंने बाटा से फुटवेयर लिया है, और ये आपने बाटा के शोरूम में जरूर देखा होगा ये फुटवेयर। तो मुझे ये फुटवेयर पर्सनली बहुत पसंद आया था, एंड थोड़ा सा ना वेस्टर्न आउटफिट को ध्यान में रखते हुए ही मैंने मंगाया है। सो मैंने मंगाया है ये ब्यूटीफुल से लोफर्स काइंड ऑफ है, बट ये लोफर्स नहीं है एग्जैक्टली, इनमें हील लगी हुई है। और मुझे ना ये कलर बहुत ज्यादा सुंदर सा लगा, मतलब ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ऐसे लग रहा है जैसे रेड टेप का है ये शू। सो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये थोड़ा सा क्या था कि मैंने जब इसको मंगाया था तो इसका एक साइज छोटा मंगाया था, बट फिर वो मुझे और छोटा हो गया, और जो ये बड़ा वाला साइज है ना, तो ये मेरे को थोड़ा सा लूज हो रहा है, क्योंकि ना इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है इसका आगे वाला, वो थोड़ा सा चौड़ा है, और मेरे पैर पतले हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में। सो उस चीज का थोड़ा सा है, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये कुछ इस तरीके की है प्रॉपर, और हील्स भी इनकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ऊपर जो ये चेन की डिटेलिंग हुई है ना, मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, जो कॉर्नर्स पे चेन की डिटेलिंग आप देख सकते हो, ये वाली, ये बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ से अलग करने का काम करते हैं, जैसे कि ये कलर हो गया, पेस्टल कलर जो है वो आपको भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं पहनना चाहता, मतलब हर किसी की पसंद जो होती है वो इतनी ज्यादा डल नहीं होती, तो लोग ब्राइट के पीछे ज्यादा भागते हैं। और अगर आप उनमें थोड़ा डल पहनोगे तो आप उनमें अलग से लगोगे, और ऐसा नहीं है कि डल में आप अच्छे नहीं लगोगे, आप जरूर अच्छे लगोगे। सो ये था मेरा पहला फुटवेयर। इसका जो प्राइस वगैरह होगा स्क्रीन शॉट में यहाँ लगा दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ऑल्सो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिए। कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप आराम से चढ़वड़ भी सकते हो, कहीं पहाड़ों पर भी जा सकते हो इसको पहन। मैंने इसको इसी पर्पस से लिया है कि मुझे कभी कहीं चढ़ना उतरना हो तो मैं इसको आराम से पहन सकूं, बिकॉज मैंने स्केचर्स के एक शूज दिए थे, तो स्केचर का जो शूज है मेरा वो थोड़ा सा हैवी है, मतलब उसका नीचे वाला सोल बहुत हैवी है, लिटरली आपको लगेगा आपने काफी वेट अपने पैरों में रखा हुआ है, और वो काफी ज्यादा कॉस्टली था, तो मैं काफी रिग्रेट करती हूँ। बट हाँ, मैंने पहना है उसको, मैंने ट्रिप पे पहना था अपने, सो इसलिए मुझे ये काफी अच्छा लगा कि सस्ता मद्दाजा बट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि मैंने मंगवाई है एक ब्यूटीफुल सी शर्ट अपने लिए। सो ये शर्ट मैंने इसलिए मंगाई बिकॉज ये कलर देख रहे हो आप कितना ज्यादा सुंदर सा लग रहा है। आई नो थोड़ा आंखों में चुभ रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के, तो मैंने ये मंगवाया है। मुझे ये कफ्स वाली शर्टें ना बड़ी पसंद आती हैं, ब्लैक जीन्स और नीचे सेम यही वाला फुटवेयर, और इसके साथ ये वाला शर्ट, ओ माई गॉड बहुत ही प्यारा लगेगा। इसका जो स्टफ है वो वेलवेट टाइप का लग रहा है, बट एग्जैक्टली वेलवेट नहीं है, वेलवेट टाइप का लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सा शाइनी सा यहाँ पर टाई करने के लिए दिया हुआ, एकदम सॉफ्ट है इसका स्टफ, स्टफ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें जो मेरा साइज है वो है एस, एक्स्ट्रा स्मॉल होता तो आई गेस मुझे बहुत ही परफेक्टली आता, बट ऐसे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा ढीला भी पहन लूंगी। सो ये था मेरा सेकेंड आइटम जो कि मैंने बाय किया है, और ये ना मैंने पूरा एक कॉम्बिनेशन बाय किया है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी अभी ट्राई ऑन हॉल में, मतलब मैंने पूरा पूरा कॉम्बिनेशन लिया है, जीन्स टॉप एंड देट फुटवेयर भी लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जीन्स जो कि मैंने ली है इसी के साथ पेयर करने के लिए। जीन्स मैं भी देखती हूँ ट्राई करके, मुझे आई गेस परफेक्ट ही आएगी, साइज के हिसाब से तो मैंने सही मंगाया है। ये मैंने हाई वेस्ट जीन्स मंगाई है, थोड़ा सा इसका पैटर्न ना अलग सा है, तो इसी अलग से पैटर्न की वजह से मैंने इसको मंगाया है। मुझे इसका जिप वाला पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा लगा, सुंदर लग रही है, ब्लैक कलर में है, जेड ब्लैक, बट ये ना एग्जैक्टली जीन्स का कपड़ा नहीं लगता, ये जैसे कॉटन की पैंट लगती है, कुछ वैसा सा कपड़ा इसका लगता है। बाकी पहनने पे देखते हैं कैसी लगती है, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी वीडियो। ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे खुल गया। बात करते हैं इसके ब्रांड की, तो जो ये है ये किसी वुमेन जीन्स, नॉर्मल
सॉरी ये अकाचिक ब्रांड की जीन्स है, इसमें जो मेरा साइज है वो है 30। इसका जो प्राइस होगा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर तो 2000 लिखा है बट जो एक्चुअल प्राइस होगा वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। ओके सो नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक कोवर्ड सेट। मुझे कोवर्ड सेट बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोवर्ड सेट ऐसा होता है कि आपको अगर आप बहुत ज्यादा वेस्टर्न नहीं पहनना चाहते तो आप कोवर्ड सेट फिर भी पहन सकते हो, वो आपकी बॉडी को ज्यादा रिवील नहीं करता है। तो मैं ऐसे कोवर्ड सेट जरूर ढूंढती हूँ जिसमें मेरे पैर पूरे अच्छे से ना यू नो पैंट्स वाले अच्छे मुझे लगते हैं। तो ये है पहला इसका पैंट, दिखाती हूँ मैं आपको, ये स्ट्राइप वाला मैंने लिया है। तो मैंने ये लिया है स्कर्ट और टॉप का कोवर्ड सेट है। तो ये जो स्कर्ट है ये आपको मिल रही है ऐसे स्ट्राइप वाली जिसमें यहाँ पर पॉकेट बनी हुई है, ठीक है। ये स्ट्राइप वाली स्कर्ट है जिसमें बटन्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो कॉटन की है, प्योर कॉटन की है ये स्कर्ट मिल रही है आपको। एंड इसके ऊपर आपको मिल रहा है टॉप, आई जस्ट होप कि ये पहनने पे सुंदर लगे मेरे ऊपर। सो दिस इज द टॉप, शायद मुझे इसको हल्का सा यहाँ से ऑल्टर कराना पड़े वो मैं करा लूंगी चलेगा। तो ये सिंपल सा मैंने टॉप लिया है इसके साथ, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको जरूर पहन के दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली पहनने पर लगेगा कैसा। सो कोवर्ड सेट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ना बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप मैरिड हो नहीं हो ये फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये आपकी बॉडी को ढके भी रहेंगे और एज वेल एज आपको ना थोड़ा सा वेस्टर्न मॉडर्न लुक भी देते हैं। तो मुझे ये चीजें काफी पसंद आती हैं। इसका जो ब्रांड है दैट इज फैबली और इसमें मेरा जो साइज है वो है एस, एस है मेरा साइज। ये मतलब अच्छा लगा, छोटू सा नेक है, नेक का भी कोई ऐसा इशू नहीं कि डीप नेक है, बस ये वाली चीज को ना हल्का सा मुझे कराना पड़ेगा आई गेस। इसका जो फैब्रिक है ना वो एकदम कॉटन का, इतना बढ़िया मस्त मक्खन जैसा फैब्रिक है कि मैं आपको क्या बताऊं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है एक जीन्स अगेन, ये मैंने दीदी के लिए मंगाई है एंड थोड़ी सी ये रिप जीन्स है, रिप हाँ आई गेस थोड़ी सी ये वैसे नहीं, ये जीन्स मुझे काफी अच्छी लगी, इसका पैटर्न मुझे अच्छा लगा। मैं दिखाती हूँ कौन सा पैटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो पैटर्न है ना मुझे ये अच्छा लगा, नीचे से जो थोड़ा सा ये रिप डिजाइन है ना ये मेरे को अच्छी लगी, अच्छी लग रही है जीन्स ओवरऑल। दीदी ने पहनी थी उनके ऊपर अच्छी भी लग रही थी तो ये उनको साइज बहुत परफेक्ट मिल गया है। इसका जो ब्रांड है वो है मिस चेज और इसका जो प्राइस इसमें दिया हुआ है वो तो दिया है ओह माय गॉड 3000, बट 3000 की नहीं मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी। सो अमेजोन पे ना आप जीन्स ले सकते हो, आपका जो रेगुलर साइज है ना आप वो साइज में जीन्स ऑर्डर करोगे तो मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि ब्रांड्स में ना साइज का थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ये ब्रांड में नहीं ले सकते ये ब्रांड में नहीं ले सकते, लेकिन आप ले सकते हो। आपको क्या है कि आपका जो साइज है जो हिप्स का साइज होता है आप ना उसको हमेशा इंची टेप से मेजर कर लिया करो और उसके अकॉर्डिंग ले लिया करो तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप हमेशा घर में एक इंची टेप जरूर रखो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हो तो। मैंने एक कोवर्ड सेट और मंगाया था एंड ट्रस्ट मी वो इतना ज्यादा खूबसूरत था लेकिन वो मुझे वापस करना पड़ा क्योंकि ना उसका अपर का आया ही नहीं था, मतलब टॉप और बॉटम का सेट था, बॉटम आया था टॉप आया ही नहीं, तो मैंने उसको वापस कर लिया। नेक्स्ट मैंने एक ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की टी शर्ट मंगाई है, दिस इज फॉर देवी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। ये आजकल ऐसा थोड़ा ट्रेंड में चली हुई है ना कि जैसे ये कई रंग की बनी होती है ये क्या स्ट्राइप्स वाली, सो ये कुछ ऐसी टी शर्ट है, प्लेन ब्लैक टी शर्ट है, प्लेन ब्लैक टी शर्ट और ये उल्टी है, प्लेन ब्लैक टी शर्ट है, बस खाली आपको ना इसके नेक पे और इसकी स्लीव्स पे थोड़ा सा डिजाइन मिल रहा है, डिजाइन मतलब कि वो स्ट्राइप्स मिल रही है और वही काफी अच्छा लग रहा है। ब्लैक जीन्स के साथ ना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, प्यारी सी लगती है, प्रिटी सी। मेरा साइज नहीं था इसमें वरना मैं अपने लिए जरूर मंगाती, तो मेरा साइज नहीं था बट अदरवाइज मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो ये था मेरा, सो अगर आप लेना चाहो तो आप ये वाली टी शर्ट भी ले सकते हो, कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, सो डेफिनेटली आप ये ब्लैक वाली टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मैंने इतनी चीजें मंगाई थी अमेजोन से, सोचा आपके साथ जरूर शेयर कर देती हूँ ताकि क्या पता आपको मेरी पसंद पसंद आ जाए, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज पहनती हूँ ना तो आप लोग पूछते हो कहाँ से लिया, जब तक मैं बताती हूँ तब तक वो चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इस बार सोचा कि जब जब लेती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी जिससे कि आप भी वो चीजें खरीदते जाएं। सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। नए वीडियोस के साथ, क्रिएटिव आइडियाज के साथ, नई नई चीजों के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।